आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 6 अगस्त 2021 का साकार हिंदी मुरली। बाबा आज समझाते हैं बच्चे, रोज अपने आप से पूछो मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा, दो फायदा होगा। हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है, बाबा हमें प्रश्न किया है। और बाबा इसका उत्तर भी देते हैं, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर का संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और बाबा समझाते हैं, बाप समान निरहंकारी बनना है, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा की याद करना है, रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना, अंदर में कोई भूत को रहने नहीं देना, कोई भी भूत हो, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत प्यार से चलना, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना, जैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ किया ऐसे हम बच्चों को भी करके दिखाना। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करो। सहन शक्ति जो बाबा हमें शक्ति देता है, इसमें एक मुख्य शक्ति है सहन शक्ति, तो इसका विशेषता अपनाओ और दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करो। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। यह कोई अपना कोई नुकसान नहीं होता, आपका फायदा ही फायदा होता। अभी हम विस्तार से सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर बाबा सुनाते हैं, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिकर से फारिग हो जाओ, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देहाभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखरा देख लो प्राणी जरा दर्पण में, तो पाप है कितना, पुण्य हो कितना तेरा जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके जुगबल से पाप काटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, जैसे तुम बच्चों का भी हो रहा है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है, अवस्था का साथ सर्विस बहुत ताल्लुक रहता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हर योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, ये गलती वो करते आए, और तुम तो गलती नहीं करते हो, तुम तो बहुत का ऋषि हो, बहुत का योगी हो, बहुत का सन्यासी हो। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं, वो तत्व को भगवान मानते हैं। तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए झूठ है, रॉन्ग है। तत्व को याद करने से उन्होंने कोई पाप करते नहीं, तत्व के साथ योग लगाने से कोई चल नहीं, कोई बल नहीं मिलता, शक्ति नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी वन वापिस नहीं जा सकता परमधाम। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी, अपना जच रखनी है, अपने को चेक करो, चेंज करो। बच्चे भी एक दुखी अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। तो देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं।
बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। बाबा दही अभी मने बनाते हैं हर बच्चों को और रास्ता भी बताते हैं। बाप को देहाभिमान होता तो नहीं, वो तो ए बार प्योर है। देहाभिमान होता है बच्चों को और बाबा इसको दवाई भी देते हैं। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते रहते हैं। जितना याद करते रहेंगे उतना तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं। रेस चल रही है, रेस जब तक पूरी होगी तब तक फाइनल रिजल्ट होगी। रेस पूरा होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, दुनिया को विनाश प्राप्त करेंगे, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा, खून नहे खेल बहेगा, तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। प्राकृतिक आपदाएं हो, युद्ध हो, कोई भी हो, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक प्राकृतिक का और मनुष्य द्वारा युद्ध भी तो बीच बीच में होते रहेंगे। तो हम किसी को बुराई नहीं कर सकते, ऐसा शिक्षा बाबा हमें देते हैं। अंत में ही सबका पता पड़ेगा हम कितना अहिंसक हैं। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम पड़ा है, यो दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, अंत का भी अंत समय चल रहा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, बीमारी आदि तो होती रहती है, इसको कर्मभोग कहा जाता। तो भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता, और हम तो बहुत खुशी खुशी में रहते हैं और शरीर से भोग करके हमारा कर्म भोग चुकता होता, योग से कर्म भोग चुकता होता, तो वो अंदर की पीड़ा होती है। अभी एकरश अवस्था किसी को बनी नहीं है, तो पीड़ा भी हो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। एकरश स्थिति हमारा योग का स्थिति अगर बनेगा तो जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को तो कितना खुशी रहनी चाहिए, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अता हो सुख लेते हो, सतयुग त्रेता युग में तुम्हें सुख मिलने वाला है। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे, शांति में इतना खुशी नहीं होता जितना, तो शांति में इतना खुशी नहीं होता जितना धन में खुशी होती है। सन्नासी घर बार छोड़ जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ लोट रोटियां लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए, शहर में आ गए, जंगल को छोड़ करके पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया है। तो सबको पैसे की चिंता बहुत है, अभी हो गया, पहले तो नहीं है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, चिंता रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं प्रजा को बचाने के लिए। सत्ययुग में कोई लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, इस राजाई में हम जाएंगे, थोड़ा दिन बाकी है, वहाँ डर की कोई बात नहीं होता, टैक्स आदि की कोई बात नहीं, इनकम टैक्स कहो कोई भी। यह शरीर की फिक्रत यहाँ रहती है, सत्ययुग में नहीं रहेगा। गाया जाता है, फिकर से फरीक सामी किंदा सदगुरु। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर एक और जन्म के लिए कोई फिकरत नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारी पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वो अवस्था पिछड़ी को आएंगे। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, स्थिति मजबूत नहीं हुआ, फिकरत रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा, पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। जैसे उत्सव का धूमधाम होता है, विनाश का धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, शरीर ना हो तो कैसे पुरुषार्थ करेंगे। बाबा समझाते हैं
बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारा कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, तो गफलत मत करो। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक्रश चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए, जितना बाप और वर्ष को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चरा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊँचते ऊँच पहुँच पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में है, कितना फकूर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहती है, झोपड़ी में रहते हुए भी उनका चिंता नहीं है, लेकिन साहूकारों का बहुत चिंता रहती है। साहूकार को तो धन का फिक्र रहता है, कैसे धन को संभालना है। तुम्हारी में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं, जो कुमारी है वो तो बहुत भाग्यशाली है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते तो फिर तो कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में लगा दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा, कितने को मंत्र देंगे। हम तुमको देते हैं, तुम फिर औरों को देना। बाबा कोई साधारण बात नहीं कहते। हमें कोई शिष्य नहीं बनाया, हमें बच्चा बनाया, पूर्ण शक्ति हमें दे देता है। कलम लगाना है, बाबा कहते हैं, अपने भाई बहनों को बचाना। बच्चों को कहते रहते हैं, जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ, ये महामंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्र में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव, एक ही अक्षर है, इसमें बहुत प्रसिद्ध है, बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, मद्दाजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है तो पतित चल नहीं सकेंगे, यह समझने की बात है। तुम भारतवासी सतप्रधान थे, तम प्रधान बने और फिर सतप्रधान बनना, तो बाप कहते पुरुषार्थ करो, उस पद अवश्य तुम्हें मिल जाएगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो पहले अभिविचारी भक्ति शुरू हुई द्वापर शुरुआत में, अभी कितना व्यभिचारी भक्ति है। शरीर की भी पूजा करते रहते हैं, वो है तो भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तम प्रधान है, तो पूजा भी तम प्रधान होती जाती है। तत्वों को, पानी को, तो मिट्टी को, तो अभी बाप को याद करना भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना। बाबा हमें भक्ति से छुड़ाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, भक्ति से हमें वैराग्य कराते हैं। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है, ये तुम्हें नहीं कहना, तो ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है जो पहले करते थे। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी बाबा ने और सावधानी हमें देते हैं, ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की क्या बात है। बोलने से क्या, ना बोलने से क्या, अंदर अंदर फील करो। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, बहुत बड़ी महिमा करते हैं, तो वास्तव में इसका अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम तो अर्थ सहित समझाते हो, फिर ओम शांति कहना भी बार बार फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्चे से पूछता हो, यो किसका श्रृंगार करती है। ब्रह्मा बाबा को दादिया जब पालन करते थे तो ब्रह्मा बाबा पूछते थे, यो किसको श्रृंगार करती हो, तो बोलती है शिव बाबा का ये रात है, मैं रात को खिलाती हूँ, मैं रात को नहाता हूँ, यो शिव बाबा का रात है ना, जैसे हुसैन का रात होता है ना, तो घोड़े का श्रृंगार करते हैं, तो घोड़े का अर्थ तो नहीं समझते।
धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, इसमें किसका तन में प्रवेश करना पड़ता है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंतों के भी अंतों में आया हूँ, ये मेरा मुखर तन है। तो ब्रह्मा बाबा भी पसंद नहीं करते, शिव बाबा भी पसंद नहीं करते श्रृंगार करना, दिखावा कुछ बात नहीं। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, तो वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जस्ती करते हैं, कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, जो कृष्ण है वही नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाना ने जन्म लिया उनका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं, नारायण का नहीं। एक ही व्यक्ति है, नारायण का किसको पता ही नहीं वो कौन है। वास्तव में बाबा समझाते हैं, पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, गीता ज्ञान बोलना शुरू करते हैं, ये ज्ञान सुन करके ये कृष्ण का जन्म हो जाता है, कृष्ण डिग्री प्राप्त कर लेता है। शिव बाबा आती ही है बहुत जन्म के अंत के जन्मों में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, वो कौन है, किसका तन में आया है, अभी हमें क्या करना। बाप कहते यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। इसीलिए बाबा समझाते हैं, मुरलीधर बनो, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट यो देवी देवता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र को दिखा करके बाबा कहते हैं। तो बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे ब्रह्मा बाबा ने, यो बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारी अच्छा कर्म करते हैं तो समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो नरसिंह नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जस्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा को फॉलो करेंगे तब तो तक पर बैठ सकेंगे। बच्चों को भी मालूम होता है बिना पुरुषार्थ कोई तो तक पर बैठ नहीं पाएंगे। तो ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। तो खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में, यह क्रोध का भूत है या काम का भूत है। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, उसको तो भगाना चाहिए, क्रोध क्यों करे। तो प्यार से समझाना होता है, बाबा कोई पर क्रोध तो नहीं करेंगे और बाबा का बच्चा होकर के हम क्यों करते हैं। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फलतू तो झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो तो वो दवाई दे, इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम है, बड़ी बात थोड़ी ही है। तो पढ़ते भी है तो सर्विस के लिए, लोगों का सेवा के लिए, जस्ती पढ़ते हैं तो जस्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है बच्चों द्वारा, बच्चों स्वर्ग प्राप्त करे, यह कुछ जीवन उनका अच्छा व्यतीत हो। इसीलिए बाबा अभी शब्द नहीं देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यो जस्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता तो यह सिर्फ महिमा है। बाबा कहते हैं मेरे को इतना तारीफ मत करो, मैं तो पतित पावन हो, मेरे को सर्जन क्यों कहते हो। बाबा ने कितना निरहंकारी होकर के बच्चों से बात करता है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस मेरा पाठ ही है,
तुमको यह समझाने का कि माँ में कम याद करो। यही तो बाबा बेस्ट फार्मूला हमें समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो यह है ही राजयोग का ज्ञान, गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्यो राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे, तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पतित पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है ना, सत्ययुग में जाकर के इतना भारी मर्तबा वाले जीवन प्राप्त करेंगे। तुम सब अंगुली देते हो कलयुग पहाड़ को पलटाने के लिए, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी नहीं है, अब तुम जानते हो। नई दुनिया आनी है इसलिए राजयोग जरूर सीखना है, बाप ही आकर सिखलाते हैं, शतप्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से तो जाचेगा, सोचेगा और आएगा और टिक भी जाएगा। बात तो ठीक करते हैं, वो समझने लगते हैं। बरबर बाबा ने ठीक कहता है, ठीक कहा था, मन मना भव अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितना उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे, तो तुम तो गायन, तब तो गायन है सुलह कला संपन्न सर्वगुण संपन्न, और फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतवृद्धन बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरक वशियों को स्वर्गवशी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक नंबर, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है, रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। नंबर दो, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत प्यार से चलना है, मात पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। इसका अर्थ बाबा समझाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो, यो नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए तो कोई कुछ बलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा। तो सिर्फ दिल सिक्स्त नहीं बनो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना झुक जाना, यही सबसे बड़ा महानता है। आज का समान है, मैं निरहंकार आत्मा हूँ, मैं निरहंकार का देवी हूँ, देवता हूँ। अच्छा, ओम शांति।